अस्सलामु अलैकुम। ते आप ये जानना चाहते हैं ते तैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का टेम्परेचर दे सकते हैं और उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं जैसे ते सीपीयू, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, आपकी हार्ड डिस्क और एसएसडी, इन सारों का टेम्परेचर आप सिर्फ सिंगल सोफे से दे सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे देखिए तीन दफ़ा क्या होता है तो हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो है वो कहीं ज़्यादा ओवर हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा कौन सा कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे में हम किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं जो तो हमें बता दे रियल टाइम में कौन से कंपोनेंट तक क्या टेम्परेचर जा रहा है। अब ऐसे में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर हमने पता लगाना है तो कौन सा कंपोनेंट जो ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है ताकि हम उस एरिए प्रॉपर टूलिंग सोल्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं तो सॉफ्टवेयर की हम मदद लेते किस तरह इन सारों का हम टेम्परेचर दे सकते हैं, वो भी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट पर आ जाना है। अब इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड बटन में क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड हुआ है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, ये रहा, ये देखिए जैसे आप डाउनलोड कर लेते सिंपली आपने यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो इसका सेटअप हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ये देखिए सेटअप हमारे साथ ओपन हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अब हम इसे रन करते देखते हैं। देखिए जैसे मैंने रन किया ये भी थोड़ा एनालाइज आ रहा है और ये देखिए ये आ गया, हमें ये बता रहे थे हमारा सीपीयू जो है वो 51 सेल्सियस पे है, मदरबोर्ड जो है वो हमारा 28 पर है। ये देखिए आप तो सारा बता रहा है कौन सा कंपोनेंट जो है वो कितनी टेम्परेचर पर जा रहा है। और ये आज बात ध्यान रखने वाली है, सेल्सियस में बता रहा है, फ़ारेनहाइट में नहीं बता रहा, ठीक है। तो बस आज से इतना ही, आज की समेजिंग वीडियो में हमने जानना थे हम कैसे सिर्फ एक सिंगल सॉफ्टवेयर की मदद से कितने आसानी से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनका रियल टाइम में टेम्परेचर दे सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, नीचे कमेंट में लास्ट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो भी आपसे स्क्रीन के ऊपर कुछ अमेजिंग वीडियो शो हो रही हुई थी, उन वीडियो तो भी लास्ट में देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।